हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। और मैं आशा करता हूँ कि आप सब अच्छे होंगे और अपना खूब सारा ध्यान रख रहे होंगे। सो गाइस, अभी उठे थे और अब उठ के नहाई धोई करेंगे, तो चलिए नहाते हैं। यार बाल भी बड़े बड़े हो गए तो कटवाए थे, तो चलिए नहाते हैं। तो गाइस, फिलहाल हम नहा चुके हैं और अब खाते हैं खाना। तो खाने में आज देखते हैं मम्मी ने क्या बनाया है, तो चलिए। सो गाइस, देख सकते हैं आप, खाने में है ये चटनी आलू मटर मिर्च टमाटर की, और ये लस्सी और दो रोटियां हैं। फिलहाल बस इतना ही, बड़ा मस्त मजा आ जाएगा आज खाने में। ओके गाइस, तो चलिए खाते हैं खाना, फिर मिलते हैं आपके बाद। खाना वाना हो गया है और मम्मी बोल रही थी कि आलू लेके आना है, आलू नहीं है घर पे। तो हमारे गांव में उगा रखे हैं, वो खेती कर रखी है उन्होंने, तो वहाँ चलते हैं और आलू लेके आते हैं। तो चलिए चलते हैं भाई। हम पहुँच गए हैं आलू के खेत के बागानों में। यहाँ पे खेती की जाती है, वहाँ पे दादाजी सो रहे हैं। और ये देखो, आपको दिखाते हैं, यहाँ पे आलू ये पाट रहे सामने। यहाँ तो इन्होंने पाड़ के लेवल कर लिया और कुछ बनाएंगे। यहाँ पे शायद तम्बाकू तम्बाकू बोएंगे। और ये सामने लगे हुए ना, वो आलू को पाड़ रहे हैं। वहाँ से हम अब ले के जाएंगे, तो देखते हैं कैसे क्या करते हैं, कितना कुछ रेट है। तो चलिए दिखाते हैं हम आपको। एक दो तीन चार पाँच, बाकी चार आदमी हैं। क्या हाल संदीप? राम राम। ठीक से दादा, ठीक करें ची। यो तो भाई सोनू लिखने लाग रहे हैं, रेत में हाथ मारो और सोनू लिख रहे हो। ले भाई चमका मारा है सोनू, देख ले दादी कसुत तो सोनू है भाई। ये तो हाँ दादी, जब्बा तो जिब्बा तो लेना है। बढ़िया ने बोली वो रोड पर उग रही है ना, वे ले गया। हाँ देसी है ना, रोड का की दर्शन कराते हो के भाषा है के ले दे दे। ये भाई को नहीं बता दो। सो गाइज, हम आलू लेके आ चुके हैं और आलू हम लेके आए हैं 7 किलो। तो वहाँ पे अच्छे रेट मिल रहे थे, इसलिए हम 7 किलो ले आए। बाकी ज़्यादा तो क्या करेंगे हम, तो अच्छे आलू हैं, बढ़िया हैं, गांव के हैं और मीठे पानी के आलू हैं, तो बढ़िया हैं, इसलिए हम ले के आए। तो चलिए अब अपने घर पे आ चुके हैं, अब बनाते हैं। भूख लगी है यार, बर्गर बनाने का मन है, तो चलिए हम बर्गर बनाते हैं और खाते हैं। सो चलते हैं। चलिए गाइज, हमारा बर्गर बन कर के रेडी हो चुका है। अब आपको दिखाएंगे कि क्या हमने कितनी मेहनत की है और बर्गर बन के तैयार हो गया है। अब आपको दिखाते हैं कि कैसे हमने बर्गर बना दिया। चलिए दिखाते हैं आपको। ये देखिए आपके सामने है ये प्याज, ये सामने टमाटर प्याज और ये मटर और ये थोड़ा चिल्ला वगैरह है, और ये चटनी है, सॉस वगैरह जो भी है। ये सॉस यूज़ किया है हमने, ये टमाटो वाला किसान फ्रेश टमाटो केचप, ठीक है ये वाला है। बाकी अब हम इसको पैक करके बंद करके खा के दिखाते हैं आपको कैसा लगा। आप भी कमेंट में बताएं कि बर्गर कैसा बना है। ओके चलिए खाते हैं और बताते हैं। गाइस, बर्गर वगैरह हमने सब खा लिए, फिनिश कर दिया, बर्गर बहुत अच्छा बना था। तो अब चलते हैं मंदिर में, तो चलिए आपको आज मंदिर दिखाते हैं, हमारा गांव का कैसा मंदिर है। ये देखिए, ये माता मनसा का मंदिर है, ये पहला गेट है। बाकी हम यहाँ से नहीं जाएंगे, यहाँ से दोबारा जो दूसरा वाला गेट है ना, वहाँ से चलेंगे। ये बाउंड्री है, छोटा सा मंदिर है, बहुत अच्छा लगता है मुझे मंदिर आना। शाम को मैं डेली मंदिर में आता हूँ। जय माँ मनसा। सामने माता का दरबार, माँ मनसा देवी मंदिर, आरती माता की, और ये बड़ी सारे घंटा जैसा।
जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है। जय हो मां मनसाराणी। हम आपको दिखाते हैं, जय हो मां मनसाराणी दे दिया। गाइज आप देख सकते हैं ये पौधे, छोटे छोटे गमले रखे हैं यहाँ भी ये, और सामने माता का दरबार है ही, ये घंटियाँ हैं, ये घड़ी है, ये हैं, और यहाँ पे सीसीटीवी कैमरे, एक ये है, एक वो सामने है, और यहाँ स्पीकर है, और छोटे छोटे पौधे हैं। और हम आपको दिखाएं, एक ये कैमरा है यहाँ पे, और ये पुजारी के लिए है रूम, आपको दिखाई दे रहा है ना सामने वाला, ये पुजारी के लिए है, इसमें पुजारी रह सकता है। और ये सामने तख्त डला हुआ है यहाँ पे, बाकी पुजारी आता नहीं, काफ़ी दिन हो गए आया नहीं रहा। स्पीकर है, और ये सामने हवन कुंड, हरि ओम नमः। और ये जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है हवन, यहाँ पे काफ़ी जगह है, अच्छे खासे लोग यहाँ पे बैठ सकते हैं काफ़ी संख्या में। और यहाँ ऊपर हवा या धुआं जो हवन की हो वो ऊपर निकल जाए आराम से। और ये कुछ अच्छी अच्छी नई लाइनें लिखी हुई हैं तो आप देख सकते हैं। और ये सामने, अच्छा अब हम चलते हैं बाबा समाध्या के दरबार में। तो ये देखो बाबा समाध्या वाले की जय है, ये बाबा समाध्या वाला जय। ये यहाँ पे, यहाँ बाउंड्री पे लगा रखे हैं पौधे छोटे छोटे जैसा कि आप देख सकते हैं, ठीक है। और ये भैरव, ओम भैरवनाथ नमः, ओम हनुमते नमः, श्री शीतला देवी नमः, माँ ये इनकी सभी की मंडी बना रखी है। और ये बाबा समाध्याला का, और ये वाला है ओम श्री जवारिय नमः, ठीक है। और ये सब पौधे हैं आप देख सकते हैं। और ये विष्णु लक्ष्मी माता का दरबार है, यहाँ कुंडी लगा रखी है उन्होंने, हम आपको दिखा देते हैं। ये वाली प्रतिमा है, यहाँ फूल अर्पित किए हुए हैं आप देख सकते हैं। यहाँ पे विष्णु भगवान, लक्ष्मी माता है, अरे विष्णु भगवान को भी चूड़ियाँ पहना रखी हैं, लक्ष्मी माता को तो पहननी थी, विष्णु भगवान को भी। तो हम इस कुंडी को वापस लगा देते हैं अब। नहीं लगी, कोई नहीं, खुला रहने दो। अच्छा अब आती है बारी बाबा भोलेनाथ के दरबार में। ओए नंदी, नंदी को भी चुनरी बुला रखी है लोगों ने, नंदी महाराज, जय हो नंदी महाराज की। नंदी जी के एक पैर शुद्धा है और ये मोड़ रखा है इन्होंने, बाकी आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छी मूर्ति है नंदी महाराज की। और सामने है बाबा भोलेनाथ, और वो लक्ष्मी माता, ये गणेश जी महाराज, ये विष्णु महेश, ये वाला, और ये भोलेनाथ ऊपर शेषनाग। ये देखो, ये आपको सामने से दिखा देते हैं हम, आपको अच्छा व्यू यहाँ से आएगा। ये देखो जय भोलेनाथ, अच्छी प्रतिमा ना, एकदम मस्त देख सकते हो आप। और ये ऊपर ये लोटा बंधा हुआ है, यहाँ पे टालियाँ हैं, एक स्पीकर यहाँ है, ताकि पूरे एक वो सामने गेट के ऊपर स्पीकर है, अच्छा, और ताकि यहाँ से पानी डालें और पूरे दिन ड्रॉप ड्रॉप बाय ड्रॉप यहाँ पे शिव शंभू जो भोलेनाथ है शिवलिंग, उसके ऊपर ड्रॉप धीरे धीरे पड़ती रहें। अच्छा मैं आपको एक और चीज़ दिखाता हूँ, जो ये है, ये इलेक्ट्रिक बाजा है, यहाँ से आप इसके प्लग में ऑन करें,
और ये ऑटोमेटिक बजने लग जाएगा, ऐसे तो बजता नहीं है ये, तो ये ऑटोमेटिक बज जाएगा, टम 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 ऐसे ऐसे बजता रहेगा। और ये स्पीकर है ये आपको सामने, बाकी घंटियाँ हैं, बाकी सुंदर व्यू आता है, आप देख सकते हैं ये भोलेनाथ की आरती लगा रखी है, आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये देखो आप, ठीक है, ठीक है ना। और बाकी छोटे छोटे पौधे हैं यहाँ पे, वो वाश बेसन है, वाइपर है, कुछ बाल्टियाँ, ये शेर माता के दरबार के बाहर शेर हैं, आप देख सकते हैं। अच्छा, जैसे कि पूर्णवासी आती है ना, या और कोई देवी का बार आता है, तो इन शेरों के अंदर ना, मुंह के अंदर वो भर देते हैं खीर हलवा, जैसे कि शेर खाते हैं, देखो अभी भी शेर के अंदर, देखो आप शेर के मुंह के अंदर मकोड़े चिपक रहे हैं, मकोड़े ऐसे ही हैं ये भी। बाकी ये हम आपको दिखाएं, ये नाली पड़ी हुई है ताकि पार्क में पानी वगैरह दे सकते हैं। यहाँ पे भक्तों के लिए दो फैन हैं और यहाँ कुछ स्पेस है, कुछ रख सकते हैं। बाकी माता का जो जागरण होता है वहाँ पे बाहर, तो यहाँ गेस्ट जो आते हैं महाराज बाबा जी, वो यहाँ पे रेस्ट कर लेते हैं, और जो बच्चे काम करते हैं वो भी रेस्ट कर लेते हैं आराम से। बाकी यहाँ से फ्यूज ऑन ऑफ, और यहाँ पे दो फैन हैं, और ये एक घड़ी ये है, बाकी घड़ी तो बंद पड़ी हुई है, अभी तो शाम के 5:30 या 6 बजे हुए हैं, और एक माता पूर्ति वो तो गलत है, घड़ी बंद है, और यहाँ से स्विच ऑन ऑफ स्पीकर के लिए, अभी महाराज नहीं है मंदिर में तो इसलिए सब कुछ बंद पड़ा है। और ये मंदिर का जो आर्टिफिशियल घास वाला मैट आता वो वाला है, और एक ये मैट है। बाकी छोटे छोटे गमले हैं ये आपके सामने दिखाई दे रहे हो ना, ये वाला, तो और कुछ नहीं है, बस सिंपल सा छोटा सा मंदिर है, बहुत अच्छा लगता है, बड़ी शांति मिलती है यहाँ पे आके। और बस आज मंदिर का यही छोटा सा एक टॉपिक है, मंदिर में आए हम। और बाकी देखो एक चीज़ आपको मैं दिखा दूँ, मंदिर के अंदर जो ग्रह वगैरह है, यहाँ पे देखो कितनी अच्छी क्वालिटी का उन्होंने अपनी प्रक्रिया करके अपने जो आर्ट है उनको दर्शाया गया है, देख सकते हैं आप। ये बिल्कुल छोटे छोटे टुकड़े हैं कांच के, वो लिए गए हैं और उनको फेविकॉल से चेप के, और फिर ये घंटियाँ, इस साथियाँ और जो लड़ी वगैरह जो भी है ये बनाया गया है, ये अलग अलग प्रकार के कांच लिए गए हैं, आप देख सकते हैं, ये देखो। अच्छा, मैं आपको ये दिखाता हूँ, अंदर भी ऐसे ही है, बाहर भी ऐसे, ये फूल बनाया हुआ है, जो भी डिजाइन उन्होंने दर्शाया गया है वो वाला है, ये सभी चारों तरफ ऐसे ही है, आप दिखाई दे सकते हैं, और अंदर भी माता के दरबार में देख सकते हैं आप, ऐसे ही है, ठीक है ना। अच्छा, सुंदर व्यू है ना, आप देख सकते हैं। ओके, थैंक यू। सो गाइज, खाना वाना हो गया है, अब रात के 9 बज गए, और खाने में था रोटी, सब्जी, आलू गोभी की, और दूध, जो गर्म गर्म अब मैंने खा लिया है। अब सोने की बारी है, नींद आ रही है बहुत ज़बरदस्त, तो अब सोते हैं। तो आज की वीडियो इतना ही, तो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना। सो ओके, बाय बाय।